I have already covered water crisis. किसी ने लगाया था लेकिन था तो उसमें सब कुछ है ऐसे का टॉपिक अभी CAPF में भी ऐसे प्रोवाइड हुआ तो वहाँ पर वो देख लेना अगर किसी ने आई थिंक अभी मीडिया पे होगा वाटर क्राइसिस ठीक है बिकॉज दिस इज ऐसे टॉपिक नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन वी हैव टू कवर द हिस्ट्री ऑफ वी कैन से दिस ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन का पता है है क्या उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ना नो वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेवोल्यूशन एंड एवोल्यूशन एवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस है ना तो वहाँ पर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है वेदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन है ना वहाँ पे एनालिसिस है सो फर्स्ट थिंग इज ये टर्म दी किसने अरे बोलो नहीं है द टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम गॉन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बिकॉज स्टेट में कभी कभी पूछ लेते हैं मतलब ज़्यादा ही वो बंदे को कई बार जलील कर देते हैं है ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बंदा कहते हैं यार ठीक है सी आफ्टर द इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन वॉज इंक्रीज इन इंडिया है ना बट एट द सेम टाइम देयर वर क्राइसिस इन अ फूड सिक्योरिटी टर्म्स है ना फूड की डेफिशिएंसी थी वी इम्पोर्ट फूड फ्रॉम आउटसाइड सो इंडिया अडॉप्टेड अ ग्रीन रेवोल्यूशन एट दैट टाइम एक्चुअली इट वॉज स्टार्टेड बाय यूएस इन मैक्सिको तो यूएस ने पहले मैक्सिको में स्टार्ट किया रिसर्च वर्क टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटीज ठीक है तो यहाँ पर मैक्सिको में कौन सी वैरायटी बनाई गई वेदर इट इज रिलेटेड टू वीट और राइस छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ऐसे सो दिस लीड टू हाई यील्डिंग वीट वैरायटी और राइस की कहाँ पे रोई IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस है ना तो यहाँ से राइस क्लियर इंटरनेशनल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है नॉर्मन नॉर्मन बर्लॉग है ना एंड हु वाज अ लीडर इन इंडिया और वी कैन से फादर ऑफ एमएस तो ये तो क्लियर है स्टेट के लिए यूपीएससी तो नहीं पूछेगी एटली ये पूछ सकते यूपीएससी दैट इंडिया वी कैन से द वीट हाई यील्डिंग वैरायटी वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम आवर फिलीपींस तो वो गलत स्टेटमेंट वीट हाई यील्डिंग वैरायटी वाज प्रॉपर फ्रॉम मैक्सिको एंड राइस फ्रॉम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस क्लियर है तो नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन का हमने स्टार्ट तो कर लिया है ना देयर मस्ट बी सम एलिमेंट इन अ ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट यही तो आपको मेंस में आंसर लिखना दैट दे कैन आस्क यू दैट व्हाई द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज प्रेफर्ड स्पेशली इन वेस्टर्न स्टेट्स सॉइल इट इज देयर इन यूपी एंड बिहार ऑल्सो लार्ज लैंड हो बिग लैंड सी मनी वाज अ फैक्टर ये तो ठीक है ठीक है तो एलिमेंट क्या होंगे उनसे लार्ज लैंड होल्डिंग अब ये मनी
कौन कहाँ पे थी लार्ज लैंडलॉर्ड कहाँ पे आजकल भी है पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में भी है ना महाराष्ट्र में तब नहीं थी अदर फैक्टर वाज आल्सो देयर सेकंड इज इरिगेशन irrigation the lot of canal system hai na was present in these western states aur kaun kaun sa factor hai fertilizer money factor was there fertilizer theek hai so these were major factor right due to which fertile land was also one of the factor due to which this green revolution was adopted in these particular now it have lot of positive only kya kya honge is jo question ek upsc ka favorite hai that green revolution is a mixed bag theek hai it is a mixed bag so you have to write इंट्रो में तो आप एलिमेंट लिखोगे इंट्रोड्यूस करोगे ड्यू टू दिस फैक्टर विच वर मोर फेवरेबल इन वेस्टर्न स्टेट्स है ना द सेकंड थिंग इज व्हाट आर द पॉजिटिव एंड व्हाट आर द तो पॉजिटिव क्या होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन से होगा क्या पहले उसको देख लेते जिसने इंक्रीज की ठीक है इंक्रीज इन फार्मर इनकम तो इंक्रीज होगी है ना देन इंक्रीज इन सेविंग उसके बाद क्या होगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फर्दर इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ दैट हाउ टू लिंक सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली कुछ भी आपको कुछ नहीं आता ना अगर ये पता यू कैन राइट एनी आंसर दैट हाउ वेदर इट्स अ सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में सेविंग इन्वेस्टमेंट होगी विद द इन्वेस्टमेंट क्या होगा दैट सेक्टर विल डेवलप है ना अल्टीमेटली विद द डेवलपमेंट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एट द सेम टाइम सेविंग फर्दर है ना देन फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेटली इससे और बेनिफिट क्या होगा डिक्रीज इन इंपोर्ट फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होगा वी नो दैट वी नीड अ इरिगेशन तो इरिगेशन फिर कैनाल सिस्टम डेवलप होगा है ना इट विल गिव टू द बूस्ट सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कौन सी डेवलप होगी वो तो आउटकम होगी ना वो तो अभी भी है हमारे है नहीं फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो यस ट्रैक्टर मशीनरी हार्वेस्टर्स है ना देन ये हमारे क्या है उसको सबमर्सिबल पंप्स वेरियस मोटर वगैरह जो भी नीडेड है सो दीज इंडस्ट्री स्पेशली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री नो ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्योंकि फर्टिलाइजर तो चाहिए है ना विच क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये वैल्यू एडिशन है ठीक है सो फर्स्ट थिंग ये तो क्लियर है ना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्लियर है लास्ट है ना नो द प्रॉब्लम क्या होगा रिकॉल करो यू कैन ऑल्सो ऐड जितना मर्जी ऐड करो फिर वो खींचने वाली बात है देखो फूड इंडस्ट्री फूड सिक्योरिटी होगी उससे पॉवर्टी डिक्रीज होगी माल न्यूट्रिशन डिक्रीज होगा माल न्यूट्रिशन डिक्रीज से क्या होगा वर्केबल कैपेसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन विल इंक्रीज वर्केबल कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा नेशन ग्रोथ वो मैंने ऑलरेडी माल न्यूट्रिशन का जो हमने पढ़ा था उसको भी लिंक करते हैं उसमें भी बताया था दैट हाउ फूड सिक्योरिटी इज लिंक्ड विद द माल न्यूट्रिशन नाउ प्रॉब्लम क्या होगा
पहले लैंड की कर देते हैं, फर्स्टली लैंड सॉइल भी बोलते हैं। एज यू नो दैट लॉट ऑफ इरिगेशन वाज देयर, है ना, उससे हाँ जी सर क्या वो ठीक है। सो सॉइल, सॉइल के साथ क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा। देखो राइस के लिए हम करते क्या है, फ्लड इरिगेशन, नाम सुना होगा आपने फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन मतलब वी कवर द फील्ड विद द वाटर, है ना, वो नीचे दिखता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। सो विद दैट वन इज सॉइल इरोजन, ठीक है। अब अभी एक बात बताओ, इफ यूपीएससी आस्क यू दैट वेदर अ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्पांसिबल फॉर सॉइल इरोजन और नॉट, नॉट टू दैट एक्सटेंट। सी सॉइल इरोजन हैपन ड्यू टू अ प्रैक्टिस, ड्यू टू अ वी कैन से माल प्रैक्टिस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नॉट ड्यू टू अ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि वो खतरनाक चीज है, है ना, उसको जैसे इंप्लीमेंट किया गया दैट इज अ मेजर कंसर्न, ठीक है। अभी भी तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन ही लेकर आ रहे हैं ईस्टर्न स्टेट्स में, है ना। सो ग्रीन रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है, ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम इज विद द इम्प्लीमेंटेशन। वो यार पंखा बात ही मत रहा, ठीक है, क्लियर है। और क्या होगा, एक ही क्रॉप फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर से प्रॉब्लम क्या है, सॉइल सैलिनिटी, है ना, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, क्लियर, डिक्रीज इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट कैसे डिक्रीज होंगे, बिकॉज टू और थ्री क्रॉप्स विद इन अ ईयर, है ना, व्हेन वी ग्रो टू और थ्री क्रॉप्स विद इन अ ईयर द रिप्लीनिश प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉइल इज लेस, है ना। अगर हम एक क्रॉप को एक साल ग्रो करो, नेक्स्ट ईयर करो, तो उससे क्या होता है, एटलीस्ट उसको रिप्लीनिश न्यूट्रिएंट्स को गेन करने में टाइम मिलता है ना, बट विद द हायर एक्सप्लॉयटेशन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विल डिक्रीज। और क्या है, नाउ फर्टिलाइजर का वाटर के साथ रिलेशन है, ये मैंने दो बार करवाया, क्या होगा व्हेन द फर्टिलाइजर रिलीज इनटू वाटर बॉडी, उससे इफेक्ट क्या होगा, पोल्यूशन मान लिया चलो, लेकिन पोल्यूशन आप लिखोगे वहां पर, देखो दिस टॉपिक इज अ वेरी सिंपल, तो अगर आप ऑर्डिनरी वहां पर कोई चीज लिखोगे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सभी लिखे, ठीक है। सो व्हेन दिस फर्टिलाइजर रीच इन टू वाटर बॉडी, अगर पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड भी चलेंगे विद द फ्लो वहां से रिवर एंड रिवर टू सी, जो हेल्थ हैजर्ड, हेल्थ हैजर्ड, वही हेल्थ हैजर्ड की मैं जो टर्म है उसको बता रहा हूँ। वन इज बायो मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज अ वी कैन से नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, लेट अस सपोज पता है सभी को एनवायरनमेंट हो गया ना सभी को, बायो मैग्निफिकेशन का कांसेप्ट क्लियर, नो सर आता नहीं हुआ, एनवायरनमेंट हुआ क्या, क्वालिटी वाइज, चलो जम्मू कश्मीर, बायो मैग्निफिकेशन, तो लेट अस सपोज कोई भी पेस्टिसाइड वेदर इट्स अ लेड, ठीक है, लेड एंड मर्करी कोई भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, इट इज प्रेजेंट इन वाटर, है ना, फ्रॉम हेयर इट विल एंटर इन टू द स्मॉल फिश, ठीक है, स्मॉल फिश टू लार्ज फिश एंड लेट अस से एंड लेटर इन ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नाउ लेट अस से इट इज 1 ग्राम एट हेयर, ठीक है,
जितना उसने कंज्यूम किया इट इज 1 ग्राम उसका लेवल। नो ऐसा तो नहीं लार्ज फिश एक ही स्मॉल फिश को खाएगी, इट विल ईट लेट अस सपोज इसने 10 खाई, ठीक है, तो यहाँ पर लेवल कितना हो जाएगा 10। अब ह्यूमन बीइंग तो ऐसा नहीं, ठीक है, वहाँ आप चले जाओ साउथ में, वहाँ तो मछली के बिना कुछ है ही, ठीक है, सो अल्टीमेटली 100 ग्राम या कितना भी है ना लेवल विल इंक्रीज। देयर आर टू रीजन, वन इज कंजप्शन ऑफ हायर नंबर ऑफ लोअर इंडिविजुअल जिसके साथ लेवल इंक्रीज हुआ। अगर यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द बायो मैग्निफिकेशन, वन इज कंजप्शन ऑफ हायर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, है ना, पहले में तो 1 ग्राम थी, नाउ व्हेन ही कंज्यूम 10 एनिमल लाइक दैट उसमें कितनी आ गई 10 ग्राम, देन फ्रॉम 10 टू हायर, स्टेटमेंट एक होगी। सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट इज दीज प्रोडक्ट वेदर इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल दे आर लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मींस दे आर, ये भी स्टेटमेंट अगर पूछ ली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दीज आर लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मींस दे आर फैट सॉल्युबल, ठीक है, जैसे आप वेजिटेबल को वॉश करते हो अगर ज्यादा वॉश करोगे तो उससे क्या होगा जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो तो गए, है ना, सो सेकंड इज दे आर लिपोफिलिक, लिपोफिलिक मींस दे आर फैट लविंग, दे आर नॉट सॉल्युबल इन, वी कैन से दे आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मींस दे आर नॉट लिंक्ड विद द वाटर, तो जब आप वाटर कंज्यूम करोगे सो वो तो एलिमिनेट हो गए नहीं बॉडी से, ठीक है, सो दिस इज द रीजन दे स्टे इन द बॉडी, दो रीजन है मेन, क्लियर। नेक्स्ट इज यूट्रोफिकेशन, ये भी करवाया फर्स्ट क्लास में, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, डेड स्पेस ऑफ न्यूट्रिशन इन वाटर बॉडी, कौन से एल्गी वगैरह जैसे ग्रोथ ऑफ गैस करते हैं, एक तो एजिंग ऑफ लेक एंड यूट्रोफिकेशन, एक्चुअली यूट्रोफिकेशन इज अ नेचुरल, यूट्रोफिक लेक इज अ नेचुरल प्रोसेस, यूट्रोफिकेशन इज अ एक्सेसिव रिलीज ऑफ डी ग्रोथ, तो वो न्यूट्रन दो कौन कौन से, इस पर क्वेश्चन आया नाइट्रोजन एंड, मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया याद है किसी, या वो है ही नहीं, डेड स्पेस करवाया था मैंने, ओके, नाउ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस व्हेन दे रीच इन अ वाटर बॉडी, ठीक है, बाथटब नहीं है सब बन गया है साइड पे जगह था, ठीक है, तो व्हेन इट रीच टू द वाटर बॉडी, ठीक है, ड्यू टू नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये है क्या, दे आर फर्टिलाइजर, है ना, इनग्रीडियंट ऑफ फर्टिलाइजर, सो ड्यू टू देम देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर टू स्टेप, फर्स्ट इज द रिलीज, है ना, फ्रॉम अ वी कैन से एग्रीकल्चर फील्ड से वाटर बॉडी में, देन देयर विल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। थर्ड स्टेप इज ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी ग्रो कहाँ पे होगी, अच्छा एल्गी को ग्रो करने के लिए चाहिए क्या, CO2 एंड वाटर, सनलाइट तो है ही, ठीक है, सनलाइट तो प्लांट है तो हो गई, बट वेयर एवर CO2 एंड H2 इज प्रेजेंट एल्गी कैन ग्रो, ठीक है, अब विद द ग्रोथ ऑफ एल्गी क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज, है ना, वाटर की, सो सनलाइट विल बी, ठीक है, क्लियर, अब यहाँ से सनलाइट अंदर आएगी नहीं, तो यहाँ पर ये प्लांट को क्या होगा, दे विल डाई, डाई और अब सनलाइट है ही नहीं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, सर लेस ऑब्जॉर्प्शन, लेस ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, नो विद द डेथ ऑफ दीज प्लांट्स दे विल बी डिग्रेडेड बाय, कौन डिग्रेड करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, डेट मटीरियल होगा प्लांट का उसको कौन डिग्रेड करेगा, दैट विल बी अ डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो विद द डिग्रेडेशन इट मींस दैट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए, इट मींस दैट दे विल डिक्रीज द फर्दर ऑक्सीजन, है ना, सो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन एंड डिक्रीज इन डिसॉल्वड ऑक्सीजन, तो दो यूपीएससी प्रोसेस पूछती है अगर आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा, वन इज यूट्रोफिकेशन, द इम्पैक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन क्या होगा,
BOD will increase or decrease? By logical oxygen demand. BOD will increase. CO2 will increase. DO will decrease. Dissolved oxygen. तो ये environment में पढ़ा होगा, ठीक है? पढ़ लिया होगा ये. Okay. The second thing is due to a water flood irrigation मैंने बोला था ना. With the flood irrigation, the oxygen content of that particular soil will decrease. ऐसे simple simple ही वो question आते हैं UPSC में, मतलब वो पूछेगा which of the following can be a consequence, can be regarded as a consequences of green revolution. तो वहाँ पे बोलेगा the oxygen content of the soil will increase, but you should know that it is, है ना, lower. क्यों? Due to water. जब flood irrigation होती है, water पूरा cover करता है, oxygen का जो क्या कहते हैं exchange with the soil will decrease. ठीक है? अच्छा, high yielding variety. Next is high yielding variety से impact क्या होगा? See the high yielding variety is dwarf, है ना? Dwarf wheat. Dwarf wheat का मतलब क्या होगा? छोटी है, ठीक है? Now suppose normal height इतनी है ना? अब high yielding variety जो हमारी hybrid है, उसकी height कितनी है? इसका reason था, so that it can be easily grown, है ना? Mature हो जाए जल्दी, ज़्यादा height gain करेगी, तो वहाँ पर time लगेगा. So that multiple crops can be grown in a 1 year, है ना? So with the lesser height, grain size जो इसका होगा, है ना? और stalk जो नीचे fodder है, किसके लिए? For the animal. ठीक है? Now अगर एक plant की height इतनी है, it have a more fodder content to feed the animals, but in dwarf plant there will be less fodder content. So वहाँ पर एक shortage आ गई, shortage of fodder to the animals. ठीक है? अब इतना clear है? हाँ. और इसका impact क्या होगा? Monoculture समझ आ रहा है? Monoculture, if you grow one type of crop in a particular area, अगर कल को मान लो disease कोई होगी, है ना? So all will be eliminated, क्योंकि सभी का resistance होता नहीं है. Due to increase in monoculture, genetic diversity increase or decrease? Now this is the genetic diversity, not the species diversity. Species diversity is a different than genetic. Clear इतना? ठीक है? So it means due to these factors, one is depletion of groundwater, जिसके ऊपर article था. Depletion of groundwater कैसा होगा? Due to excess irrigation. Tubewell लगे, है ना? With the tubewell, the amount of groundwater decrease. तो वो अगर कोई पंजाब से है, तो वहाँ पर वो article जरूर पढ़ना. You will get a data regarding Punjab, ठीक है? तो वहाँ से green revolution का impact क्या होगा? Clear? Brother, इसी में एक और article आया था. सर मोनोकल्चर, हाँ जी सर, मोनोकल्चर मतलब सेम स्पीसीज, व्हेन यू ग्रो सेम टाइप ऑफ क्रॉप, ठीक है? अगर एक में कोई फंगस या कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, इट मींस बाकी को भी हो सकती है. दे हैव नॉट अ डिफरेंट रेजिस्टेंस, है ना? दे हैव अ सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस. तो वहाँ पर सेम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज अ डेंजरस. तो वहाँ से ऐसा हो सकता है दैट ऑल क्रॉप्स, ऑल वीट, दैट स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड. सो दिस इज अ कंसर्न. Rather than अगर आप different species use करो, अगर एक eliminate हो भी गई, you have a different number of species. Clear है? Okay. So income disparity होगी. अब इन्होंने एक word बोला था that landholder, है ना? The bigger landlords were more in the Punjab and other areas. Now with that, अब जो छोटा farmer होगा, उसको marginal farmer, उसके लिए क्या होगा? उसको इतना बेनिफिट होगा नहीं, उसके लिए क्या हाई यील्डिंग, है ना? सो दैट क्रिएट अ डिफरेंस विद इन अ स्टेट एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स और अ पुअर स्टेट्स. क्लियर? ओके. इसी में एक और टॉपिक था, इट वाज अ यूज ऑफ वाटर. देखो कंसर्न हमने कर लिया, दिस लीड टू दिस प्रॉब्लम.
we have discussed the green revolution. What are the impact of green revolution? Now how we can plug these things? कैसे करेंगे? यही है. एक तो हमें डेटा चाहिए at least कि कहाँ पर पानी डिप्लीट हुआ है कहाँ पर नहीं, है ना? क्लियर? सो डेटा में क्या आएगा? नीति जो की रिपोर्ट आई थी ऑन वाटर, नाम क्या था उसका? कंपोजिट क्लियर, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. रिपोर्ट का नाम क्या था? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स. तो दिस आर्टिकल टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. अब ये कहता है आपने बता दिया सपोर्ट में, एक उसने डेटा दिया था, ये लिख लो आप, दैट 21 मेजर सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू, 21 मेजर सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर एज सून एज बाय 2020. As soon as by 2020, ठीक है? अब ये उसने रिपोर्ट में मेंशन किया है. See, to curb the problem, we should know where the problem is, है ना? इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बोलती है that 21 major cities will be face a water crisis by 2020. But article talk about that this information of 21 major cities is not credible. आप समझो, सी इफ यू राइट आंसर इन यूपीएससी एग्जाम कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसका सलूशन है. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस शॉर्ट आर्टिकल, बिकॉज इट हैव अ मोर वैल्यू देन अदर फैक्ट्स, क्योंकि ये हमें जनरल हम डिस्कस करते नहीं, है ना, पढ़ते नहीं. सो डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट. अब इस रिपोर्ट ने बोल दिया जो उसका एविडेंस ही नहीं है, रिपोर्ट ने ना ही एविडेंस शो किया, ना ही इसने कोई बताया दैट ऑन द व्हाट बेसिस इट टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है? सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ठीक है? तो एक लाइन लिखो, बट नो क्रेडिबल एविडेंस फॉर दिस, उसके साथ में लिख लेना, ठीक है? जो मैंने अभी एक लाइन लिखी, बट देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस फॉर दिस. So absence of institutional accountability, ठीक है? तो आपका एक solution भी बन गया that to set up a credible institute so that can give you a information about water, है ना, कि कहाँ पर water है and कहाँ पर depletion है, all these things. अच्छा, एक और डेटा लिख लो, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्टेड दैट इंडिया इज नॉट येट इन वाटर स्कार्सिटी कंडीशन, इन वाटर स्कार्सिटी कंडीशन बट इन वाटर स्कार्सिटी कंडीशन बट इन वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन. मैंने ऑलरेडी कवर ये भी किया था वाटर क्राइसिस, मैंने क्वेश्चन भी डाला था व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट इज वाटर स्ट्रेस. तो है कोई फिर वाटर स्ट्रेस और वाटर स्कार्सिटी में डिफरेंस क्या है? 300 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर डे से कम होता है. स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी. स्कार्सिटी का मतलब क्या है? लैक ऑफ अवेलेबिलिटी. सपोज यहाँ पर एक वाटर की बोतल है ना, अगर किसी को चाहिए मैं नहीं देकर आ रहा हूँ, है ना, देट इज वाटर स्ट्रेस.
क्योंकि वहाँ पर अवेलेबिलिटी है नहीं, और दो अदर रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। अगर ये बॉटल एम्प्टी है तो वहाँ पर कोई गए पानी दे दो तो है ही नहीं, कहाँ से दे, है ना। सो दैट इज वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्ट्रेस में जो चार चीजें आती है वाटर स्ट्रेस, वन इज वाटर क्वालिटी, सेकेंड इज एक्सेसिबिलिटी, देन इज वॉल्यूमेट्रिक अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल फ्लो। ये याद रखना फॉर द बिगिनिंग, वाटर स्ट्रेस। अब ये वॉल्यूमेट्रिक अवेलेबिलिटी क्या है, दिस इज कॉल्ड वाटर स्कार्सिटी। अब एक चीज देखो, नो विदाउट दिस, है ना, मान लो वाटर स्कार्सिटी है ही नहीं, वाटर स्ट्रेस कैन बी, समझे आप, अगर इकोलॉजिकल फ्लो में प्रॉब्लम है या वाटर क्वालिटी पुअर है, है ना। इफ द वाटर क्वालिटी इज पुअर इवन देन वी कैन से द कंट्री इज इन अंडर वाटर स्ट्रेस, है ना, क्लियर है इतना। नो दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो वाटर स्ट्रेस का जो लेवल कितना होना चाहिए, दैट वी देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंट्री इज अंडर वाटर स्ट्रेस। लिख लो वाटर स्ट्रेस का 1700 टू 1000 मीटर क्यूब पर ईयर, पर कैपिटा है 1700 टू 1000 मीटर क्यूब पर ईयर। अब ये पर कैपिटा है, मतलब हर एक बंदे के लिए इतना अगर वाटर अवेलेबल है, देन वी कैन से अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन 1700 टू 1000 और वाटर स्कार्सिटी 1000 मीटर क्यूब पर ईयर। तो वहाँ पर लोअर लेवल देखो, वाटर स्ट्रेस का लेवल कितना है 1700 टू 1000, 1000 जब रीच कर गया देन वी कैन से वाटर स्कार्सिटी, अवेलेबिलिटी है लेस देन रिक्वायर्ड, क्लियर है। अब सॉल्यूशन, देयर वाज अनदर आर्टिकल तो उसको मैं तीन आर्टिकल को क्लब करके एक ही है बनती है सॉल्यूशन। नो चेन्नई वाटर ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा न्यूज़ में, है ना। अब वाटर ट्रेन क्या वी कैन से एफिशिएंट है या नहीं वाटर ट्रेन से, अब तो वहां पर एक सॉल्यूशन डिस्कस किया पाइपलाइन। अगर हम पाइपलाइन डाल दें फ्रॉम द वाटर सरप्लस टू वाटर डेफिसिट एरिया, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीडेड। उसने एक केस दिया है दैट लॉस वेगस का, नहीं सॉरी लॉस एंजेलस का, ठीक है। तो वहाँ पर उसने क्या बोला है, उनका भी ड्रीम था टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम अ मिसिसिपी रिवर टू लॉस एंजेलस, बट दैट वाज अ फेलियर। सो ही टॉक आउट दैट पाइपलाइन इज नॉट अ बेटर वे, तो ग्रेडियंट भी चाहिए आपको, है ना, हाइयर ग्रेडियंट से लोअर ही जाएगा ना वाटर, ठीक है। सेकेंड थिंग पंपिंग कैपेसिटी चाहिए, फॉर दैट वी नीड एनर्जी। सो दीज आर इशू विद द पाइपलाइन। तो दो केस है, दो एग्जांपल ये वो लिख लो आप, यूएस प्लान टू यूज एक्सेस वाटर फ्रॉम मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर की स्पेलिंग पता है, ये तो यार ऐसे ही है, मिसिसिपी रिवर डबल पी है वहां पे, एक और डाल थ्रू अ बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, थ्रू अ
MISSISSIPPI एक ही डाला है, ठीक है, क्लियर इतना। बट दैट प्रपोजल वाज फेल्ड, सो इट मींस पाइप वाला तो काम नहीं चलेगा, है ना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है फॉर एग्जांपल ग्रीस, ग्रीस में क्या यूज किया, ग्रीस यूज्ड मेगा स्प्रैग ट्रैश बैग, स्प्रैग साइंटिस्ट के नाम पर है, ग्रीस स्प्रैग ट्रैश बैग, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल, है ना, क्या पूछ रहे हो, सही होता क्या स्प्रैग, ये स्प्रैग तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ट्रैश बैग, बैग मतलब जैसे बड़ा जिपर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक एरिया से, लेट अस सपोज आपने उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से तमिलनाडु वाटर भेजना है, कैसे भेजोगे आप, एक तो आपके पास ऑप्शन है ट्रेन, लेकिन वो तो है नहीं, जितना डिस्टेंस है मुंह धोने के काम ही आएगा वो रास्ते में, द सेकंड इज, सेकंड ऑप्शन क्या है, पाइपलाइन, पाइपलाइन यहाँ पर होगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, एरिया है ना, अब वहाँ से कोई पाइपलाइन निकाल दे वो, यहाँ तो फ्लाईओवर नहीं बनते थे इंडिया में, है ना। बस थर्ड थिंग इज इंटरलिंकिंग रिवर, इंटरलिंकिंग रिवर में प्रॉब्लम क्या आएगी, सबमर्जेंस ऑफ लैंड, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल टाइगर रिजर्व कोई नेशनल पार्क है वहाँ से आपको लिंक करना पड़ेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, विद द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, तो स्टेट तो है ही है, आपको पता ही पंजाब हरियाणा है राजस्थान उनका चलता रहता है ना, तो वो तो इशू रहेगा, बिकॉज वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पाइपलाइन का यूएस में भी फेल है, इंडिया में भी फेल, ट्रेन सिस्टम नॉट बेटर इन द लॉन्ग टर्म, इंटरलिंकिंग रिवर अगेन इज अ वेरी टीडियस एंड इट नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, है ना, स्टेट को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैग ऐसे, ठीक है, स्प्रैग बैग जिसको बोलते हैं, इसके एक जिप होती है, इसमें वाटर फिल करते हैं, देन दे मूव इट थ्रू अ वाटर, दिस इज अ प्रोजेक्ट, ये मैप इंडिया का है बट ऐसे ग्रीस ने किया, सो इंडिया कैन ऑल्सो यूज दिस टाइप ऑफ मेथड, अगर चेन्नई में आपको भेजना है तो इधर से जाओ, बट यू कैन ऑल्सो यूज द रिवर, है ना, रिवर भी तो हम यूज कर ही सकते हैं, रिवर टू फ्लो दिस पर्टिकुलर ट्रैश बैग, लेकिन रिवर में हमें प्रॉब्लम क्या आएगी इंडिया, एक तो वाटर फ्लो इतना है ही नहीं, रस्ते में चख लूंगा, इतना बेर कोई पॉलिथीन नहीं है यार, ये तो मान लो अपने इंस्टीट्यूट इतना बड़ा होता है, ये किट बैग नहीं है, ठीक है, साउथ की रिवर्स कैरेबियन में, एक तो ये है कि हमारे जो रिवर का वाटर फ्लो कम है, एक डेप्थ होती है ना प्रॉपर, आई थिंक 6 मीटर होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वाटर फ्लो समथिंग ऑन अ वाटर, द सेकंड इज यू नीड ड्रेजिंग, ड्रेजिंग मतलब वहां से रिवर से मड निकालना पड़ेगा, मड में फंस जाएगा, ठीक है, सो दीज आर प्रॉब्लम। तो अब अगर आप ड्रेजिंग करोगे कोस्टल एरिया में, ठीक है, रिवर के वहां पर क्या है, इकोटोन, इकोटोन नाम सुना है, एनवायरमेंट पड़ा है, चलो यस ट्रांजिशन जोन, जैसे आप देखो वाटर इज अ वन इकोसिस्टम एंड फॉरेस्ट इज अनदर, जो इन बिटवीन एरिया होता है वेयर द बोथ स्पीसीज आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड इकोटोन, वहां पर एज इफेक्ट, चलो रहने दो आप, ठीक है, उसकी अभी जरूरत नहीं है, पढ़ लेना आप एनवायरमेंट, ठीक है। द थिंग इज वहां पर क्या होगा, इकोसिस्टम लॉस है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, बिकॉज दैट इज रिच एरिया, इकोटोन यूपीएससी में काफी बार पूछा है, दैट इकोटोन इज अ रिच एरिया एज कम्पेयर टू अदर टू इकोसिस्टम, वहाँ पर बहुत टाइप की, जैसे वेटलैंड, वेटलैंड क्या है, इकोटोन, एसटीडी क्या है, इकोटोन, बहुत सी एग्जाम्पल है ना, सो दिस इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया, क्लियर है इतना, ठीक है, सो ओके, एक लिख लो 1 लीटर ऑफ फ्यूल, अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितना एफिशिएंट है, वाटर रूल दैट
यू हैव टू कंपेयर द रोड रूट रेलवे रूट एंड वाटर रूट कौन सा बेटर रहेगा बट हमारे प्रॉब्लम क्या है ड्रेजिंग की प्रॉब्लम है लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड लो वाटर फ्लो एंड इंटरलिंकिंग ऑफ कोर्स है ना सो लिख लो वन लीटर ऑफ फ्यूल कैन मूव 24 टन पर किलोमीटर ऑन रोड 1 liter of fuel can move 24 ton per kilometer on road. मतलब 24 ton का वेट है अगर उस गाड़ी में हम 1 liter पेट्रोल कोई भी ऑयल डालें ऑलिव ऑयल नहीं या पेट्रोल या डीजल ठीक है तो वो कितना टन 1 kilometer मूव करेगा 24 अगर मैं कंपेयर करूँ रेल से विद द सेम फ्यूल रेल में कितना मूव होगा 85 ton. सो इट मीन्स दैट रोड से बेटर क्या है रेल 85 टन ये लिख लो ठीक है नाउ अगर हम वाटर में करें तो वाटर में कितना मूव होगा 105 टन सो इट मीन्स दैट 1 liter ऑफ ऑयल कैन मूव अ 24 टन ऑन अ रोड 85 टन ऑन अ रेल एंड 105 टन ऑन अ वाटर सो इट मीन्स वाटर रूट इज अ बेटर वहां पे 105 टन आप वाटर को मूव करोगे एज कम्पेयर टू अगर बस में निकल जाओगे तो वो उतना ही रह जाएगा फिर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर